हे कमलनयन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कैसी शिक्षा दे रहे हैं? वो मेरे पौत्र को हत्या और हिंसा का मार्ग दिखा रहे हैं। महादेवी, हिंसा की प्रवृत्ति तो प्राणियों के जीवन प्रणाली में बसी हुई है। मानव समाज जब तक हिंसा से घृणा करने का गुण उत्पन्न नहीं करता, तब तक वो किसी न किसी रूप में हिंसा का प्रयोग करता रहेगा। कभी राज्य के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर, कभी अधिकार के नाम पर और यदि कुछ भी नहीं तो आखेट के नाम पर। महादेवी, जिस दिन मानवीय मन से स्वार्थ नाम का रोग निकल जाएगा ना, उस दिन हिंसा भी समाप्त हो जाएगी और फिर शुक्राचार्य जैसे गुरुओं की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। तो क्या पौत्र विरोचन पुत्र प्रहलाद के पदचिन्हों पर नहीं चल पाएगा? महादेवी, जिस प्रकार पहले अंकुर जन्म लेता है, फिर वही अंकुर पौधा बन जाता है, पौधा वृक्ष में परिवर्तित होता है और तब जाकर वृक्ष में फल आते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है, फिर वही सुंदर विचार मन में भक्ति को जन्म देते हैं और तब जाकर भक्ति जीवन के सुंदर नियम उत्पन्न करती है। महादेवी, प्रह्लाद ने जिस भक्ति की प्रवृत्ति को जन्म दिया है, उसे जीवन का नियम बनने में अभी देर है। आसुरी प्रवृत्तियां इतनी सरलता से पीछा नहीं छोड़ेंगी, उन्हें दूर करने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। महादेवी, असुर राजवंश में हिरण्यकश्यपु के अहंकार और प्रह्लाद की भक्ति के बीच एक मौन युद्ध चल रहा है अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, हिरण्यकश्यपु के अहंकार की या प्रह्लाद की भक्ति। देखा आपने कमलनयन, पुत्र प्रह्लाद ने क्या किया क्या किया महादेवी? पुत्र की रक्षा के लिए इतने भयानक झंझावात में स्वयं राजभवन से निकल पड़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पुत्र ने पितृधर्म का निर्वाह किया। मानती हूँ कमलनयन, परंतु पुत्र प्रह्लाद को अपने प्राण संकट में डालने के स्थान पर सैनिकों को सहायता के लिए भेज देना चाहिए था। इस विषय में मैं कयाधु और धृति से सहमत हूँ। और इस विषय में मैं आपके पुत्र प्रह्लाद से पूर्णतया सहमत हूँ। क्यों क्यों, सुना नहीं आपने उसका तर्क? उसके तर्क में कितना बल है। महादेवी, राजा केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता, समस्त प्रजा का पिता होता है। समस्त प्रजा की संतान उसकी अपनी संतान होती है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर समस्त संसार की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक और सेना का बल तो प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होता है। महादेवी, उनका प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना सर्वथा अनुचित है। शासकों, सामंतों और राज्य कर्मचारियों को सशस्त्र सैनिकों के बीच घिरा हुआ देखकर प्रजा उनके पास जाते डरेगी, और यदि प्रजा उनके पास जाएगी ही नहीं तो प्रजा की विपदा का उन्हें ज्ञान कैसे होगा? और ये तो कोई अच्छी नीति नहीं हुई। महादेवी, आपका पुत्र जो कर रहा है वही उचित है। मुझे भी अब अपने पुत्र के तर्क के बल का आभास हो रहा है। वास्तव में राजा बनने के उपरांत भी उसकी विनम्रता में कोई कमी नहीं आई, पर उसे संकट में घिरता पाकर मेरी चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। हाँ महादेवी, जानता हूँ कि आप नारी हैं, एक माता हैं, और इसीलिए अपने पुत्रों के लिए चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु यही तो आपकी महानता का प्रमाण भी है देखिए आपने प्रेम की लीला महादेवी मैं तो इसमें भी आप ही की लीला देख रही हूँ कमलनयन मैंने तो सृष्टि की नींव ही प्रेम पर रखी है। महादेवी, जब ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को जन्म दिया था, तो मैंने उन दोनों के मन में चुपके से प्रेम की भावना को डाल दिया था। प्रेम जीवन की महान शक्ति है, महान प्रेरणा है। प्रेम मन में विनम्रता, विचारों को सहनशीलता और जीवन को दुख झेलने की क्षमता देता है। पर उस समय क्या होता है कमलनयन, जब एक ही दीपक पर दो पतंगे पागल हों और एक ही पुष्प के दो मतवाले हों? तब तो प्रेम कथा में रस और बढ़ जाता है महादेवी, और विवेक की कड़ी परीक्षा होती है। तभी तो अवसर मिलता है ये देखने का कि कौन स्वार्थी है और कौन त्याग कर सकता है, कौन प्रेम को शक्ति से जीतना चाहता है और कौन प्रेम को केवल प्रेम से जीतना चाहता है। न जाने विरोचन और सुधर्मा में से
दीपावली का प्रेम कौन जीत पाता है? ये तो ब्रह्मा ही जाने। आप तो बस उनके प्रेम की सुंदर लीला को देखती रहिए। देखा कमलनयन, मेरा पुत्र अपने युवराज के लिए कितना व्याकुल है। महादेवी, यही तो पिता और पुत्र के संबंध का सौंदर्य है। पिता अपने पुत्र से कितना स्नेह करता है, इसका ज्ञान तो उसे तभी होता है जब वो अपने पुत्र के कष्टों को देखकर व्याकुल हो उठे। लेकिन मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि मेरा पुत्र तो आजीवन अपने पिता के प्यार के लिए तरसता रहा, वो आज अपने पुत्र पर मन का समस्त स्नेह उड़ेल रहा है। यदि दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने इस प्रेम का थोड़ा भी अंश मेरे पुत्र को दिया होता तो मेरे पुत्र को इतने कष्ट न झेलने पड़ते। महादेवी, हिरण्यकश्यपु के अहंकार ने उसके मन की सारी सुंदर भावनाओं को नष्ट कर दिया था। अहंकार तो केवल घृणा को ही जन्म दे सकता है, परंतु आपका पुत्र तो मेरा भक्त है और भक्ति प्रेम करना सिखाती है, सबसे प्रेम करना। हे महादेवी, जिस प्रकार खेत केवल उसी धरती पर लहलाते हैं जहां की मिट्टी गीली और नरम हो, उसी प्रकार प्रेम का जन्म केवल उसी मन में हो सकता है जहां भक्ति और श्रद्धा का निवास हो। पर आप ये मत समझिए महादेवी कि आपके पुत्र की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो क्या मेरे पुत्र को अभी और परीक्षा देनी है? हाँ महादेवी, जिस प्रकार प्रकाश फैलाने के लिए दीपक को रात भर जलना पड़ता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए आजीवन परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। पुत्र प्रेम पिता की निर्णय शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है महादेवी, और पुत्र प्रेम में संयम रखना बहुत कठिन होता है। प्रहलाद को भी आज यह सिद्ध करना होगा कि जिस संयम का प्रदर्शन उसने आज तक किया, कहीं वो उसे पुत्र प्रेम में खो तो नहीं देता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। किस बात पर कटाक्ष कर रही है महादेवी? कटाक्ष नहीं कमलनयन, सत्य कह रही हूँ। न जाने कैसे भ्रष्ट विचार लेकर जन्मे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मोर्चे पर मोर्चे हारते जाते हैं पर अपने विचारधारा नहीं बदलते। अब क्या कह दिया उन्होंने? उचित परामर्श न देने और अपने शिष्य को उचित पाठ न पढ़ाने की जैसे सौगंध ही खा रखी है उन्होंने। पौत्र विरोचन को उन्होंने ये परामर्श दे दिया कि यदि ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार न किया तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। महादेवी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्ञान और क्रोध के बीच एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब ज्ञान का पलड़ा भारी होता है तो उनके मुख से कविताओं के पुष्प झड़ते हैं, परंतु जब क्रोध का पलड़ा भारी होता है तो उसी मुख से अंगारे उगलने लगते हैं। पर उनका परामर्श तो उनके शिष्य को, मेरे पौत्र को तो भ्रष्ट कर सकता है। महादेवी, यदि ऐसा हुआ तो उसका सारा दोष विरोचन का ही होगा। गुरु ने तो परामर्श दे दिया, परंतु उसे मानना या ना मानना ये तो शिष्य का कार्य है। आपको तो ज्ञात है कि प्रह्लाद के गुरुजन शंड और अमर्क ने भी उसे परामर्श दिया था कि वो हिरण्यकश्यपु को ही ईश्वर माने, तब क्या हुआ? पर प्रह्लाद की बात और थी, वो मेरा पुत्र है, आपका भक्त है। महादेवी, हर व्यक्ति को अपने जीवन की परीक्षा स्वयं ही देनी होती है, विरोचन को भी देनी होगी। यदि विरोचन के मस्तिष्क में शुक्राचार्य के विचार हैं तो उसकी रगों में भक्त प्रह्लाद का रक्त भी तो है। यह निर्णय तो स्वयं विरोचन को ही करना होगा कि विचारों का प्रयोग कब करना चाहिए और कहां रक्त को अपना रंग दिखाना चाहिए। जानती हो कमलनयन, पर पौत्र विरोचन तो अभी युवा है और उसे जीवन का बहुत अनुभव भी नहीं है, और वो एक युवती से प्रेम करता है। ऐसे समय में तो उसे संयम और धैर्य का सुझाव देना चाहिए था। उन्होंने उसे शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श क्यों दिया? महादेवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भाषा में शक्ति और बल का विशेष स्थान है, परंतु परीक्षा तो विरोचन की है। उसे तो यह ज्ञात है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या हैं, कौन हैं, क्या करते रहे हैं, और यदि ये सब कुछ जानते हुए भी विरोचन ने उनके परामर्श को अपनी बुद्धि की कसौटी पर नहीं कसा, तब तो फिर उसका परिणाम वही होगा महादेवी जैसे उस व्यक्ति के साथ होता है
जो ये जानता तो अवश्य है कि अग्नि की ज्वाला जला देती है, परंतु फिर भी उसे छूने का प्रयास करता है। प्रेम भी तो एक ज्वाला है, और इस समय सुधंधा और विरोचन दोनों ही उसे छूने का प्रयास कर रहे हैं। वही हुआ ना कमल नयन, जिसका मुझे भय था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई अनुचित शिक्षा अपना रंग दिखा रही है। पौत्र विरोचन ने अपने प्रेम को जीतने के लिए अपने बल और अधिकारों का प्रयोग किया। मुझे भी दुख हो रहा है महादेवी। पुत्र प्रह्लाद ने जिस आसुरी प्रवृत्ति को बदलना चाहा था, उसका प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। वो अब भी रह रहकर उभरने का प्रयास कर रही है। दुख तो इसी बात का है कि दीपक तले अंधेरा छाया हुआ है। मेरा पुत्र प्रह्लाद इतना विनम्र, इतना त्यागी, और विरोचन उतना ही अभिमानी। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूँ महादेवी। जिस प्रकार पुत्र विरोचन अपने प्रेम को जीतने के लिए शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, उससे तो उसकी प्रेम भावना पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रेम करना तो सबका अधिकार है, परंतु प्रेम को शक्ति से छीनना सर्वथा अनुचित। मुझे प्रसन्नता है कि ऋषि पुत्री दीपावली ने बुद्धिमत्ता से काम किया। यदि वो विरोचन के साथ न चली गई होती तो समस्या गंभीर हो जाती। महादेवी, स्त्री का दूसरा नाम है संयम, धीरज। जब पुरुष स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो ऐसी स्थितियों में स्त्री नित्य संतुलित रहती है। यही तो उसका सबसे बड़ा गुण है। देखा कमलनयन, वही हुआ जिसका मुझे भय था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई शिक्षा अपना रंग दिखा रही है। परंतु आपको भय क्यों लग रहा है महादेवी? मुझे भय इसलिए लग रहा है कि ऋषि अंगिरा ने ये निर्णय लेने का भार पुत्र प्रह्लाद पर डाल दिया है कि सुधन्वा और पौत्र में अधिक श्रेष्ठ कौन है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही श्रेष्ठ हैं। एक महान तेजस्वी ऋषि है तो दूसरा उतना ही महान योद्धा है। पुत्र प्रह्लाद इतना कठिन निर्णय कैसे ले पाएगा? हाँ महादेवी, निस्संदेह ये निर्णय बहुत कठिन होगा, परंतु ये एक अवसर भी तो है पुत्र प्रह्लाद के लिए ये जानने का कि पिता प्रह्लाद और राजा प्रह्लाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है। महादेवी, सिंहासन पर बैठने के उपरांत एक राजा को यह जान लेना चाहिए महादेवी कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है। वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र, और ना ही किसी का भ्राता। यदि पुत्र प्रह्लाद को इतिहास बनाना है महादेवी, तो उसे अपने निष्पक्ष न्याय का प्रमाण देना होगा। आप तो बस अपने पुत्र प्रह्लाद के विवेक पर विश्वास कीजिए। उलझ गया मेरा पुत्र, एक बार फिर विकट समस्या में उलझ गया। कौन उलझ गया महादेवी? मेरा प्रह्लाद, और कौन। जब वो बालक था तो समस्याएं उसके सामने एक एक करके आती थी, किंतु अब कई समस्याएं, कई प्रश्न उसके समक्ष नाक के समान फन फैलाए खड़े हैं। न्याय की समस्या, व्यवस्था की समस्या, मर्यादा की समस्या, किस किस की सुनेगा वो। महादेवी, आपका पुत्र एक राजा है, और इसीलिए वो ब्रह्मा जी की तरह चार मुखों वाला या मेरी तरह चार भुजाओं वाला नहीं है। उसे तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि आपका पुत्र प्रह्लाद इस समस्या को भी सरलता से सुलझा लेगा। नहीं कमलनयन, लगता है उसके प्रति आपका स्नेह कुछ कम हो गया है। हे पद्मनाभ, आप वो नहीं देख रहे जो मैं देख रही हूँ। कन्या दीपावली, उसके पिता और तो और अंगिरा पुत्र सुधन्वा ने भी उसके समक्ष श्रेष्ठता का चुनाव करने की चुनौती रखती है, किंतु योग्यता का आधार क्या होगा। विरोचन पुत्र प्रह्लाद को अत्यंत प्रिय है, राजमाता कयाधु का भी वो लाडला है। एक ओर स्नेह संबंधों की बेड़ियां, तो दूसरी ओर न्याय की मांग। महादेवी, यदि आप पुत्र प्रह्लाद की कोई सहायता करना चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। यही तो समस्या है कमलनयन, श्रेष्ठता के चुनाव में एक ओर राजमहल का वैभव है तो दूसरी ओर आश्रम की पावनता, एक ओर बल है तो दूसरी ओर साधना,
एक ओर समस्त सुविधाएं हैं तो दूसरी ओर अपार शांति, एक ओर अधिकार ही अधिकार हैं तो दूसरी ओर समर्पण ही समर्पण। बात है महादेवी, किसी गहरी चिंता में लीन हैं आप? हाँ कमल नयन, मैं सोच रही थी कि न्यायाधीश का कार्य उस समय कितना कठिन हो जाता है जब उसके ही परिवार का कोई सदस्य आरोपी के रूप में उसके सामने हो। आपकी चिंता स्वाभाविक है, परंतु यही तो वो घड़ी भी होती है महादेवी जब ये पता चलता है कि न्यायाधीश की न्याय और न्याय प्रणाली पर कितनी आस्था और अटूट विश्वास है। वो न्याय को जीवन और सभ्यता का एक अटूट अंग मानता है या फिर आए दिन होने वाली साधारण घटना? वो कुछ भी माने कमल नयन, किंतु जिस स्थिति में मेरा पुत्र प्रहलाद है उसमें कोई भी हो उसका असमंजस में पड़ जाना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि किसी व्यक्ति के न्यायाधीश बनने के लिए उसके दो रूप होने चाहिए। दो रूप? ये क्या कह रहे हैं आप कमल नयन? दो रूप रखना तो किसी भी व्यक्ति का अवगुण है। वो व्यक्ति ही क्या जो भीतर से कुछ हो और बाहर से कुछ और दिखाई दे। आपकी बात सर्वथा सत्य है महादेवी, सर्वथा सत्य है, परंतु जीवन की कुछ स्थितियों में इस अवगुण को अपनाना भी अनिवार्य होता है और एक न्यायाधीश के लिए तो अत्यंत अनिवार्य। आप तो पहेलियां बुझाने लगे कमल नयन। कोई पहेली नहीं है महादेवी, न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत दो रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है या फिर किसी का भ्राता, परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए, उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए। और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे, न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा। धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार हैं। इस स्थिति में मुझे अपने पुत्र से एक विचित्र प्रकार की सहानुभूति हो रही है, न जाने आगे क्या होने वाला है। महादेवी, जिस प्रकार जुगनू के अस्तित्व का आभास तभी होता है जब चहुओर अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के चरित्र का प्रकाश तभी दिखाई देने लगता है जब वो परीक्षा की घड़ियों में घिरा रहता है। अब देखना यह है कि वो इस परीक्षा के लिए कितना तैयार है। कमल नयन, कहिए देवी। धन्य है आपका पुत्र प्रहलाद, धन्य है। आज सारे संसार के साथ साथ मुझे भी उस पर गर्व हो रहा है। और क्यों न हो, जब कोई संतान किसी बड़ी परीक्षा में पूर्ण अंकों से उत्तीर्ण होती है तो माता पिता की प्रसन्नता देखने योग्य होती है महादेवी। हाँ पद्मनाभ, आज प्रहलाद ने जो कर दिखाया उससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। उसने ये सिद्ध कर दिया कि राजधर्म के समक्ष पितृधर्म, पुत्रधर्म और पति धर्म कुछ महत्व नहीं रखता। न्याय के आसन पर बैठकर राजा केवल न्यायाधीश ही होता है। हाँ महादेवी, आज यदि प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन के पक्ष में निर्णय दे दिया होता तब भी कोई उस पर अविश्वास नहीं करता, सभी उसे स्वीकार कर लेते। परंतु हमारे पुत्र प्रहलाद ने आज लोगों के उस विश्वास की रक्षा की है जो राजा बनाते समय लोगों ने उस पर किया था। उसने लोगों के विश्वास को टूटने नहीं दिया महादेवी। इस उपलक्ष्य पर मैं उसे बधाई देना चाहती हूँ। नारायण नारायण। आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं माते। हाँ देवर्षि, मेरा पुत्र प्रहलाद कितना महान है। ऐसे महान भक्त और महान त्यागी को सारा संसार
कभी भी भुला ना पाएगा। जो उसने आज किया वो सदा के लिए एक उदाहरण बनकर रह जाएगा। आपका संकेत किस महानता की ओर है माते? देवर्षि, सत्ता और सिंहासन कौन छोड़ता है? पुत्र हर पल ये आस लगाए रखता है कि उसके पिता का अंत हो जाए और सत्ता उसके हाथ आ जाए, और पिता हर पल पुत्र की ओर संदेह से देखता है कि कहीं उसका पुत्र उससे उसकी सत्ता छीन न ले। किंतु मेरे पुत्र प्रहलाद ने स्वयं अपने सिर से मुकुट उतार कर अपने पुत्र को सत्तारूढ़ किया है। मेरा पुत्र चाहता तो कई वर्ष तक राज कर सकता था। उसकी भुजाओं में बल था, उसकी विचार शक्ति तब भी प्रबल थी, और उसकी प्रजा तब भी उस पर अपने प्राण न्यौछावर करती थी। फिर भी उसे राज्य का मोह नहीं था। यह भक्ति का प्रभाव था, विवेक का प्रमाण था माते। प्रहलाद ने रहस्य जान लिया था कि हर पीढ़ी को चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहन दे, उसे आगे बढ़ने और जीवन का भार स्वयं उठाने का अवसर दे। मेरे पुत्र का जीवन तो तप और त्याग का एक जीता जागता उदाहरण है। असत्य पर सत्य की विजय की कथा तो उसी से आरंभ होती है और उसी पर उसका अंत होता है। कहीं तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं माते? क्यों देवर्षि, आप मुझसे सहमत क्यों नहीं? मैंने कोई अनुचित बात तो नहीं कही? अनुचित बात तो नहीं कही आपने माते, किंतु भावुकता से परिपूर्ण बात अवश्य कह दी। मैं समझी नहीं देवर्षि। इसे भले ही कोई विडंबना कहे, किंतु ब्रह्मांड में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनका जन्म तो एक साथ ही हुआ है, और इनका अंत भी तभी होगा माते जब पूरे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। और जब तक ब्रह्मांड का अंत नहीं होता, तब तक सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनका संघर्ष तो चलता ही रहेगा माते। यदि ऐसा न हो तो महानता और हीनता की परीक्षा कैसे हो? माते, सत्य तो यह है कि यदि असत्य न हो तो सत्य की महानता का ज्ञान कैसे हो? अधर्म न हो तो धर्म की पवित्रता का पता कैसे चले? ये युद्ध तो सदा से चलता रहा है माते, और चलता ही रहेगा। तो क्या असत्य कभी सत्य से नहीं हारेगा? हारेगा माते, अवश्य हारेगा। जब भी असत्य और सत्य के बीच युद्ध होगा, असत्य ही हारेगा, किंतु वह अपनी हार कभी मानेगा नहीं। अवसर पाते ही वह अपना सिर फिर उठाएगा और सत्य पर आघात करने की चेष्टा करेगा। माते, सूर्य के तेज से भयभीत होकर अंधेरा भाग जाता है, किंतु जैसे ही दिन भर की यात्रा करने के उपरांत सूर्य थककर चूर हो जाता है, अंधेरा पुनः अपना सिर उठाने लगता है। इसी प्रकार माते, असत्य भी सत्य के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता, किंतु समय के साथ साथ जब सत्य शिथिल पड़ जाता है, असत्य फिर अपना रंग दिखाने लगता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रहलाद ने जिन आसुरी शक्तियों का दमन किया था वो एक बार फिर सिर उठाने के लिए व्याकुल हैं और केवल अवसर खोज रही हैं। आपका अनुमान सर्वथा सत्य है माते। देवर्षि, क्या असुर लोक में फिर कोई नया उत्पात जन्म लेने वाला है? क्या इतिहास स्वयं को दोहराने वाला है? माते, यदि प्रहलाद की संतान और उसकी संतान की संतान ने इतिहास से सीख नहीं ली तो उसे इतिहास दोहराने का दंड तो अवश्य ही मिलेगा। मेरा मन तो कांप रहा है, न जाने क्या होने वाला है आगे। माते, ये मैं खुलकर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे पिताश्री ब्रह्मा का क्षेत्र है। भाग्य विधाता तो वही है, उन्होंने प्रहलाद की संतान के भाग्य में क्या लिख दिया है यह तो वही बता सकते हैं। मेरा कार्य तो सृष्टि की रक्षा के लिए अपने नारायण का संदेश घर घर में पहुंचाना है। माते, ये न भूलिए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब भी उन्हीं के बीच हैं। उनके अपमान के घाव ऊपर से दब तो गए हैं किंतु अंदर से भरे नहीं हैं। माते,
जब भी अहंकार की पुरवाई चलती है उनके घावों में टीस फिर से उठने लगती है।